अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये दर्द, ये तकलीफ, उसके आगे कुछ नहीं है इधर, जो मुझे दिन रात तुमसे मिलती है। जब तुम दुआ का अफसोस करते हो तो मेरा जी जलता है, जब तुम उसका नाम पुकारते हो तो मुझे गुस्सा आता है, जब तुम उसकी तरफदारी करते हो तो मेरा खून खौलता है। तुम मुझ पर प्यार की एक नजर नहीं डालते हैं और बुआ को बाहों में लेने के लिए यूं तड़पते हो, यूं तुम उसके अफसोस में जी रहे हो तो, और मैं तुम्हारी मोहब्बत की आस में दिल दिल मर रही हूं। तुम मेरे हो इधर, तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरा आके इधर क्यों अफसोस करते हो तुम उसके लिए, क्यों? तुमने मुझसे निकाह तो कर लिया है लेकिन मुझे मुझे बीवी का दर्जा नहीं दिया है तो। लेकिन मुझे अपना हक छीनना आता है, बस तुम अब जल्दी से घर आ जाओ मेरे शोहर। दिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। नजरअंदाज करने से मेरी हस्ती तो मिटने से रही। खैर, आपके पसंदीदा लड्डू बनाए हैं मैंने, याद से खा लीजिएगा। और फिक्र मत कीजिए राहत साहब, खुदा की बारगाह में जा रहे हैं आप, मेरा सलाम भी जरूर अर्ज कीजिएगा। और देखिए, जब आप वापस लौट आएंगे ना तो यहाँ सब कुछ ठीक हो चुका होगा। घर में खुशियां लौट आ चुकी होंगी और ये घर, ये घर दुआ से पाक हो चुका होगा। हैदर से मिलकर जाइएगा। मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ उससे बात करने की, फोन उठा ही नहीं रहा है। मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, शायद उठा ले। उठा नहीं रहा, शायद मसरूफ होगा। दुआ, अम्मी को अपना फोन देना,
युवा के फोन से हैदर को फोन लगाओ। उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो इसका क्या उठाएगा? एक बार फोन तो करो, तुम्हारी सारी गलतफहमी अभी के अभी दूर हो जाएगी। फोन करो और स्पीकर पर रखना। मैं बता नहीं सकता मैं कितनी फिक्र में था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे फोन किया है। मैं जानता हूँ दुआ, मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं जितनी बार भी तुमसे माफी मांगू उतना कम है। पर प्लीज दुआ, अगर हो सके तो मुझे माफ जरूर कर देना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।